हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसे का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। दोस्तों जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो है फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों आप सही ने मतलब कि फ्लैगशिप और फ्लैगशिप किलर के बारे में डिफरेंस तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आपके लिए वीडियो मैं ज़रूर लाऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में मतलब कि टाइप कर सकते हो अगर नहीं जानते हो। तो दोस्तों जो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है वो आज की डेट में एक ऐसे स्मार्टफोन के रूप में जाने जाते हैं जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हो, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो स्मार्टफोन्स है वो फ्लैगशिप के मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो अपने आप में काफ़ी मतलब कि बड़ी बात है स्मार्टफोन कहलाना, फ्लैगशिप स्मार्टफोन कहलाना, क्योंकि दोस्तों वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है वो आज की डेट में जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जैसे कि वन प्लस है और आपके एसुस ओनर स्मार्टफोन जो कि ओनर मेड स्मार्टफोन है वो, और दोस्तों आपको कई और स्मार्टफोन भी देखने को मिलते हैं इस रेंज में। दोस्तों जो स्मार्टफोन्स होते हैं ये 855 या फिर जो बड़ा प्रोसेसर है जैसे कि जो कि आपको फ्लैगशिप में प्रोसेसर होता है वही प्रोसेसर आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जिस कारण कि स्मार्टफोन काफ़ी पावरफुल बन जाता है। तो दोस्तों इस कारण मैक्सिमम लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन होने के बाद भी काफ़ी सस्ता मिलता है। और दोस्तों जो जिस टाइप में मतलब कि स्मार्टफोन मिलता है उस टाइप में आपको हर कहीं पर भी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिल सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो अगर आप कोई मिड रेंज स्मार्टफोन से उसको कंपेयर करें तो वो दूर दूर तक कहीं पर भी टक्कर नहीं दे सकता एक दूसरे को। हाँ दोस्तों आज की डेट में भले ही जो मिड रेंज स्मार्टफोन है वो काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, आप जो मतलब कि आई बटन होगा ऊपर वहाँ आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप आज की डेट में अगर आप कोई फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन की ओर बढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेटली वन प्लस के स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। दोस्तों जो वन प्लस स्मार्टफोन है वो आपको हर एक टाइप की स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों भले ही वो फास्ट चार्जिंग हो, गुड कैमरा क्वालिटी हो, या फिर आपको गेमिंग क्वालिटी अच्छी चाहिए, या फिर आपको कोई भी ऐसी स्पेसिफिकेशन जो कि आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है वन प्लस में। दोस्तों जो प्लस है उसकी शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी, जैसे कि उसका जो जैसे ही वन प्लस के स्मार्टफोन मार्केट में आते हैं तो वो हमेशा ही स्टॉक से आउट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों स्मार्टफोन बनते इतने अच्छे हैं वन प्लस के। अगर दोस्तों आपको कंपटीशन देखने को मिले, कोई वन प्लस को कॉम्पिटिट करे, तो वो आपको बहुत 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 ही कम स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसे कि अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसमें कि आपको हर एक चीज़ बेस्ट मिले, वो आपको वन प्लस के अलावा कहीं पर भी आपको कोई स्मार्टफोन मार्केट या फिर कोई भी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिल सकता उस टाइप का कोई स्मार्टफोन। और दोस्तों जैसे कि फास्ट चार्जिंग तो इसमें पहले से ही है, जैसे कि आप जानते हो कि ओप्पो और वीवो और वन प्लस एक ही स्मार्टफोन कंपनी के अंडर आते हैं। तो दोस्तों इस कारण जो मतलब कि स्मार्टफोन को काफ़ी इजीली बनाया जाता है, मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप बात कर रहे हो कि ऐसा स्मार्टफोन जैसे कि कोई आपको क्वालिटी अच्छी दे, तो आपको डेफिनेटली आपको ऐसा स्मार्टफोन जिसमें कि आप प्राइस अच्छे से लगा सके या फिर आप एफोर्डेबल हो कोई स्मार्टफोन ख़रीदने के, तो आपको फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन की ओर बढ़ना चाहिए। पर ना आपको कोई स्मार्टफोन अगर जैसे कि आपका उतना बजट नहीं है तो आपको मिड रेंज की ओर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मिड रेंज में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन बनाती है। तो दोस्तों फ्लैगशिप किलर अगर मतलब कि आप लेना ही चाहते हो तो आप उस स्मार्टफोन को क्यों लेना चाहते हो, यह सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है। दोस्तों जब तक आप किसी स्मार्टफोन को लेने के पीछे उसका रीज़न आप उसे पूरी तरह से यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं, आपको किसी भी स्मार्टफोन लेने की नहीं सोचनी चाहिए। जैसे इतने महंगे स्मार्टफोन जैसे कि
30,000 से लेकर 60,000 तक लगभग मिल ही जाते हैं ये स्मार्टफोन, तो काफ़ी महंगा प्राइस है। अगर आप अफोर्डेबल हो तो इजीली खरीद सकते हो, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आप हमेशा ही जो बजट रेंज या फिर मिड रेंज, मैक्सिमम मिड रेंज स्मार्टफोन की ओर बढ़ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।